नमस्कार, आज TTC एंड LRDC द्वारा आयोजित वीडियो रिकॉर्डिंग की श्रृंखला में हम जो नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे वो है हमारे फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस मैंने आपको बताए थे, इनपुट फंक्शन होता है स्कैन एफ और आउटपुट फंक्शन होता है प्रिंट एफ। तो अपन देखेंगे कि क्या होता है प्रिंट एफ और स्कैन एफ, ठीक है? तो देखते हैं प्रिंट एफ। प्रिंट एफ अपन अब तक बहुत बार काम में ले चुके हैं, इससे पहले जितने भी एग्जांपल्स अपन ने लिए ना, प्रिंट एफ अपने कहीं ना कहीं काम में आया है हर प्रोग्राम के अंदर में। तो प्रिंट एफ के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है फॉर्मेट स्ट्रिंग जो इन्वर्टेड कोट्स में है, कॉमा वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स अपन को लेने, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, एक वेरिएबल नहीं एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं। ये जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है ना, इस फॉर्मेट स्ट्रिंग में क्या होता है, इस फॉर्मेट स्ट्रिंग में एक स्ट्रिंग होगी जो एज इट इज प्रिंट होगी, ठीक है? एक दूसरी चीज क्या होती है, कन्वर्जन स्पेसिफायर। कन्वर्जन स्पेसिफायर जो किससे शुरू होगा, परसेंट से शुरू होता है, ठीक है? और तीसरी चीज होती है अपना एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं, एस्केप सीक्वेंस जो बैकस्लैश से शुरू होता है, ठीक है? ये अब क्या होता है एक एक अपन देखते चले जाएंगे। एक प्रोग्राम के जरिए आपको मैं समझाती हूँ कि ये सारी चीजें क्या होती हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, कन्वर्जन स्पेसिफायर या फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, ठीक है? सो ये एक प्रोग्राम मैंने लिख रखा है बोर्ड पे, वेलकम टू दैट। हम उस प्रोग्राम पर आते हैं। इस प्रोग्राम में मैंने हैश इंक्लूड stdio.h यानी एक हेडर फाइल इंक्लूड की है जिसका नाम है stdio.h, ठीक है? इससे प्रीवियस वालों में मैं दो हेडर फाइल काम में ले रही थी, एक stdio.h और एक conio.h। कॉनियो क्यों काम में ले रहे थे अपन, क्योंकि अपन गेट केयर, गेट सी एच, ये फंक्शंस काम ले रहे थे जिनका प्रोटोटाइप किसमें, जो किसमें डिफाइन है वो फंक्शंस कॉनियो डॉट एच के अंदर। लेकिन इस पूरे प्रोग्राम में मैंने कहीं पर भी गेट सी एच, गेट केयर का उपयोग नहीं किया है, तो इसलिए मुझे वो हेडर फाइल इंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? अब हेडर फाइल इंक्लूड कर ली, उसके बाद में अपना मेन स्टार्ट हो गया। मेन में मैंने क्या किया, चार अलग अलग तरह के वेरिएबल्स लिए। पहला कैरेक्टर टाइप वेरिएबल जिसका नाम सी एच है, फिर इंटीजर आई, फ्लोट एफ, और एक लॉन्ग नाम का वेरिएबल लिया जिसका नाम है एल, ठीक है? ये सारा, ये चीज क्या कहलाती है, ये कहलाती है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, जो अब तक अपन बहुत बार कर चुके हैं, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है? सिंपली अलग अलग डाटा टाइप के वेरिएबल्स अपन ने लिए। यहां पे एक स्टेटमेंट मैंने लिखा, प्रिंट एफ रीड द डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है? तो अब आउटपुट में क्या होगा, देखिए मैं यहां आउटपुट लिखती चली जाती हूं। आउटपुट में होगा प्रिंट एफ, सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट है ये लिखा हुआ आएगा एज इट इज, रीड द डिफरेंट वैल्यूज, ये वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा मेरे आउटपुट पे। उसके बाद वापस एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, वो क्या बोल रहा है, एंटर अ कैरेक्टर वैल्यू। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अलग अलग वैल्यूज को पढ़िए, ठीक है? अब इसके बाद क्या लिखा हुआ आएगा, एंटर अ कैरेक्टर वैल्यू। दूसरी लाइन में क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहां देखिए मैंने ये एस्केप सीक्वेंस काम में लिया, बैकस्लैश, बैकस्लैश इज अ एस्केप सीक्वेंस। अगर मैं यहां बैकस्लैश काम में ना लेकर के, ये देखिए यहां से मैं अगर बैकस्लैश हटा के सेफ एंड लिख देती हूँ ना, तो ये जो मेरा इनपुट है ना, ये आउटपुट है ना, इसमें ये हो जाएगा और ये वाली जो लाइन है वो यहीं से शुरू होगी। यानी केवल जो n है, n लिख दूंगी तो वो क्या करेगा, n को प्रिंट कर देगा एज इट इज मॉनिटर पे। एस्केप सीक्वेंस क्या बताता है, कि n को प्रिंट नहीं करना है, एस्केप करना है उसकी, और एस्केप सीक्वेंस n को अब वो किस प्रकार काम में लेगा, न्यू लाइन कैरेक्टर के तौर पे। n का बेसिक काम क्या है, प्रिंट, मतलब n प्रिंट करेगा, राइट?
एस्केप सीक्वेंस क्या करता है, जो उसका काम है एंड उसके अलावा जो उसको एक और डेफिनेशन दे रखी है उसको काम लेना है अपन को. तो दैट इज व्हाई वी यूज बैकस्लैश एन. बैकस्लैश एन स्टैंड्स फॉर न्यू लाइन कैरेक्टर. तो जैसे ही आप बैकस्लैश लिखोगे वो यहाँ पे एंट्री नहीं करेगा, वो क्या करेगा, कर्सर को मेरे नए लाइन पर लेकर के आ जाएगा. सो यहां तक अपना प्रोग्राम बन हुआ. अब आप देखिए ये स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है ये पहली बार अपन काम में ले रहे हैं. पहली बार काम में ले रहे हैं मतलब ये जो स्कैनफ जो मैं रेड से हाईलाइट करती हूँ, ठीक है. स्कैनफ जिस प्रकार प्रिंटफ आउटपुट फंक्शन है, स्कैनफ क्या काम करेगा, कीबोर्ड से इनपुट लेने का काम करेगा. सो स्कैनफ फंक्शन, अब मैंने यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखिएगा, स्कैनफ में मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले परसेंट सी, यानी कीबोर्ड से ये क्या इनपुट करेगा, एक कैरेक्टर वैल्यू. परसेंट सी जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो किसका है, कैरेक्टर, ठीक है. कॉमा मैंने यहाँ पे एक एंड का साइन लगाया है. कल जब अपन ने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था तब मैंने आपको बोला था एम्परसेंट, है ना, एम्परसेंट सी एच. आप जब भी स्कैनर फंक्शन काम में लेंगे, प्रिंटफ और स्कैनफ में आप ये अंतर पाएंगे, ये मेरा स्कैनफ फंक्शन है और एक बार आप यहाँ पे देखिए उसी कैरेक्टर को मैं प्रिंट करा रही हूँ, तो उसमें यहाँ पे मैंने एम्परसेंट का उपयोग नहीं किया है. प्रिंटफ का काम है जब अपन वैल्यू ले रहे हैं कीबोर्ड से ले रहे हैं तो उसको कहाँ पे रखना है ना, उसका एड्रेस अपन को बताना है. CH का एड्रेस ऑलरेडी प्रिंटफ में पता है, तो एम्परसेंट का उपयोग हमेशा स्कैनफ फंक्शन में होगा, याद रखिएगा. अगर आप ये यहाँ नहीं लगाते तो प्रोग्राम आपको एरर देगा या गार्बेज वैल्यू देगा. दिस इज इम्पोर्टेंट, याद रखना है कि आपको सिंटैक्स जब भी आप प्रोग्राम टाइप करें तो आपको ये गलती नहीं करें, ठीक है. जो भी वेरिएबल का नाम है उसके आगे एम्परसेंट का साइन लगाना है जब भी अपन उसको स्कैनफ से इनपुट ले रहे हैं. तो यहाँ पे अपन ने एक कैरेक्टर इनपुट लिया, ठीक है. दूसरी लाइन में प्रिंट क्या किया मैंने, अब क्या होगा, एंटर अ कैरेक्टर वैल्यू. मैंने सी एच में जैसे मान लीजिए एंटर अ कैरेक्टर वैल्यू ए इनपुट ले लिया, ठीक है. नेक्स्ट लाइन क्या प्रिंट होगी, एंटर एनी इंटीजर वैल्यू. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, Enter any integer value. क्यों आ रहा है नई लाइन में, क्योंकि यहाँ पे backslash n लगाया हुआ था आखिर में, यानी यहां से वो वापस नई लाइन में आ गया. Enter any integer value करते ही मेरे पास scanf %d, %d stands for integer. देखो ये चेंज हुआ, यहाँ पे क्या था percent c, क्यों था percent c, क्योंकि मैं कैरेक्टर को इनपुट ले रही थी. यहाँ पे परसेंट डी क्यों है, क्योंकि मैं इंटीजर को इनपुट ले रही हूँ. ये चीजें आपको याद रखनी है कि हम इंटीजर जब इनपुट या प्रिंट कराएंगे तो हमको फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या काम में लेना है. परसेंट सी फॉर कैरेक्टर, परसेंट डी फॉर इंटीजर. एम परसेंट का साइन और इंटीजर वाला वेरिएबल कौन सा, मेरा आई. तो मैंने यहाँ पे आई लिख दिया, आई की कोई भी वैल्यू अपन इंसर्ट करा देते हैं, मान लीजिए 123, ठीक है. नेक्स्ट मेरा स्टेटमेंट क्या, एंटर एनी फ्लोट वैल्यू. एंटर एनी फ्लोट वैल्यू, ठीक है. और अब स्कैनएफ देखो बेटा, स्कैनएफ में परसेंट क्या आया है, यहाँ पे एफ. परसेंट एफ कब काम में लेंगे अपन, परसेंट एफ अपन तब काम में लेंगे जब कोई फ्लोट वैल्यू अपन को इनपुट या आउटपुट पे काम में लेनी है. तो यहाँ हम इनपुट क्या कर रहे हैं, फ्लोट वैल्यू, और हमने अपने उस वेरिएबल का नाम भी क्या लिखा है, एफ लिखा है. इसकी जगह अगर मैं एफ वन कर दूँ तो यहाँ पे भी एफ वन कर दीजिए, एम परसेंट का साइन और उस वेरिएबल का नाम, ठीक है. मैंने फ्लोट वैल्यू एंटर कराई 2.5, ओके. सो नेक्स्ट प्रिंट एफ एंटर एनी लॉन्ग वैल्यू, तो ये लिखा हुआ आ जाएगा एंटर एनी लॉन्ग वैल्यू. और मान लीजिए मैंने 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी वैल्यू एंटर करा दी, ठीक है. इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, एल डी,
एंटर एनी लॉन्ग वैल्यू, जो लॉन्ग इंटीजर होते हैं उसका क्या होता है एल डी। ये प्रोग्राम यहाँ तक रन हो गया। देखो स्कैनएफ में जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो क्या है, स्कैनएफ में फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर मतलब हम क्या चीज़ इनपुट लेने वाले हैं वो बताएंगे, परसेंटेज के साइन उसके इक्विवेलेंट अपन फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे। कैरेक्टर इनपुट लिया था तो अपन ने फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट सी लगाया, इंटीजर इनपुट लिया तो परसेंट डी लगाया, फ्लोट इनपुट लिया तो परसेंट एफ, लॉन्ग लगाया तो परसेंट एल डी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ये काम मिलेंगे। इसका जो दूसरा इनपुट होता है स्कैनएफ का वो क्या होता है, एड्रेस वेरिएबल के साथ एम्परसेंट के साइन, इसको क्या बोलते हैं अपन एम्परसेंट, मैं कहीं लिख दूं, ये है, इसको बोलते हैं एम्परसेंट। ठीक है, इस सिंबल के साथ हम वेरिएबल का नाम लिखोगे स्कैनएफ फंक्शन के अंदर जब हम इनपुट करा रहे हैं अपन, कीबोर्ड से कुछ इनपुट ले रहे तो। ये सब तो इनपुट हो गया, ठीक है, अब इसको अपन को कराना है प्रिंट। तो अभी अपन ने देखा कि स्कैनएफ किस तरह से काम करता है। ये देखो ये सारे स्टेटमेंट यहां तक अपन क्या कर रहे हैं, ये यहां तक ये अपन ने अभी तक देख लिया था, क्या देखा कि ये सारी वैल्यूज अपन ने एक एक इनपुट ली। ठीक है, इनपुट लेने के बाद अब अपन क्या कराएंगे, इनको प्रिंट कराएंगे, अपने प्रिंट एफ फंक्शन को प्रिंट कराने के लिए काम में लेंगे। सो वील स्टार्ट हियर। ओके, सो फर्स्ट वन इज प्रिंट एफ द कैरेक्टर वैल्यू एंटर्ड इज। अब यहां पे देखो ये जो सिंबल है परसेंट सी, क्या बताता है परसेंट सी, परसेंट सी ये बताता है कि हमें क्या प्रिंट करना है, कैरेक्टर प्रिंट करना है। फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर कैरेक्टर इज परसेंट सी। तो परसेंट सी किसको रिप्लेस करेगा, किस वैल्यू को रिप्लेस करेगा, इस सी एच की वैल्यू को। सी एच की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए है। तो नाउ देखो द कैरेक्टर वैल्यू एंटर्ड इज, यहां तक तो वो एज इट इज प्रिंट किया उसने, कोई चेंज नहीं किया। फिर जैसे ही परसेंट का साइन आया उसको उसने रिप्लेस कर दिया किसके साथ में, ए। ए किसकी वैल्यू थी, इस सी एच की, कहां पे ली थी अपन ने, यहां ली थी ना, एंटर अ कैरेक्टर वैल्यू, एंटर किया था अपन ने कैरेक्टर वैल्यू जिसका मान क्या लिया था अपन ने, ए। सिमिलरली हम क्या करेंगे, द इंटीजर वैल्यू एंटर्ड इज परसेंट डी, किसके लिए काम लिया यहाँ पे, वापस आओ पीछे देखो, परसेंट डी किसके लिए काम लिया था, आई, आई क्या था इंटीजर। यानी अगर हमें इंटीजर को प्रिंट या स्कैन मतलब इनपुट लेना है तो अपन को जो फॉर्मेट स्पेसिफायर काम में लेना है वो कौन सा होगा, परसेंट डी। तो अब एज इट इज ये स्टेटमेंट तो प्रिंट हो जाएगा, द इंटीजर वैल्यू एंटर्ड इज यहां तक, इस तक। फिर इस परसेंट डी किसके मान को प्रिंट करेगा, इस आई के मान को। आई का मान क्या था मेरे पास में, यहां देखो 1 2 3, तो वो किसको प्रिंट करेगा, 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट है द फ्लोट वैल्यू एंटर्ड इज, द फ्लोट वैल्यू एंटर्ड इज, यहां तक तो सब सही रहा। अब ये चीज किसको रिप्लेस करेगी, परसेंट एफ, एफ नाम के वेरिएबल का जो भी वैल्यू अपन ने लिया था वो यहाँ पे आ जाएगा परसेंट एफ की जगह। एफ अपन ने क्या लिया था, देखो यहाँ पे क्या लिया, 2.5, तो अपन ने यहाँ क्या लिख दिया, 2.5 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली लॉन्ग की वैल्यू को वो अपन परसेंट एल डी से लेते हैं तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, लॉन्ग इज 1 2 3 4 5, यहाँ पे अपन ने देखो 1 2 3 4 5 इनपुट लिया था। तो दिस इज हाउ प्रिंटएफ एंड स्कैनएफ वर्क। कुछ और चीजें होती हैं इस फॉर्मेट स्पेसिफायर में, एक एग्जांपल से बता देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं जो चेंजेस कर रही हूँ वो इंटीजर वाले में कर रही हूँ, रेड पेन से लिख रही हूँ। मैं यहाँ पे लिखती हूँ परसेंट माइनस 7d, परसेंट माइनस 7d, क्या मतलब है इसका, मैं आउटपुट में चेंज करती हूँ अगर आपको समझ आए तो। अब ये आउटपुट ऐसे दिखाई देगा आपको। हुआ क्या है,
माइनस लगाने से आप देखो ये क्या हो गए, यहाँ पे इधर खिसक गया आगे की तरफ, ये एक सब क्या हो जाएगा ब्लैंक, और टोटल साइज कितनी हो जाएगी 7 जो अपन ने यहाँ पे स्पेसिफाई करी है। जब इसको स्पेसिफाई नहीं किया था, मैं सिर्फ ऐसे कर देती हूँ, इस माइनस को हटा देती हूँ, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा जो अपना पहले आ रहा था 1 2 3, क्योंकि उसमें जो है स्पेसिस वो इधर है पर वो अपन को पता नहीं चल पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे नंबर्स भी अपन यूज कर सकते हैं माइनस लगाने से। वी कैन चेंज लेफ्ट जस्टिफिकेशन टू राइट जस्टिफिकेशन एंड सो ऑन, हम उसको चेंज कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम उसे प्रिंट करना चाहते हैं। तो इसमें आपने देखा प्रिंटएफ और स्कैनएफ में हम अपने हिसाब से प्रिंट कर रहे हैं कि कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, कहाँ पे लेफ्ट जस्टिफाई होना चाहिए, राइट जस्टिफाई होना चाहिए, उसके आगे एक मैसेज लिखा हुआ आना चाहिए। ये सारी चीज़ें अपन किस में कर पा रहे हैं, प्रिंट एफ और स्कैन एफ में कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम गेट सी एच या पुट सी एच इसमें नहीं कर पा रहे थे। उसमें क्या होता, सिंगल एक कैरेक्टर इनपुट लिया बिना किसी मैसेज के दिए और उसको हमने प्रिंट कर दिया। तो दिस इज द